बहुत हालत खराब, तो पुलिस को भी मार रहे हैं, कोई भी नहीं देख रहे हैं, बस ओल्ड ढाका उतरा धान मंडी ये सारे एरिया ऐसे, तो टोटली अनकंट्रोल, जो सामने दिख रहे हैं बस मार रहे हैं उनको पकड़ के, इंसानियत नहीं रही थी उस टाइम, ये चल रहा था उस टाइम। उसके बाद बांग्लादेश के जितने भी कॉलेज है सारे हालात अच्छे नहीं थे। और रही बात फॉरेन स्टूडेंट की, फॉरेन स्टूडेंट कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ, बस वो क्योंकि वो बांग्लादेश इनका मैटर था, तो इसलिए हमें पहले ही बोल दिया था कि आप हॉस्टल रहो, सेफ हो, जितना हो सके सेफली निकले यहाँ से, तो फॉरेन स्टूडेंट कोई अफेक्ट नहीं हुआ, बट वहाँ की यूनिवर्सिटी कॉलेज वो सब अफेक्ट हुई है, वो कॉलेज के अंदर ही घुस के मार रहे थे उनको, बट वो फॉरेन फॉरेन स्टूडेंट वाला नहीं था, वो उनके लोकल बांग्लादेश बंगाली स्टूडेंट का था। हिंसा शुरू हुई 16 जुलाई को, 17 जुलाई को ठीक है चल रहा है, फिर 18 जुलाई को वो मैन हो गया, हाथापाई वगैरह मारपीट, वो 18 जुलाई, 17 जुलाई के शाम को और 18 जुलाई से शुरू हुआ। पॉइंट था कि माइंड में कि मतलब दिस प्लेस इज नॉट टोटली सेफ फॉर अस, सो हमें जितना हो सके जल्द से जल्द निकलना चाहिए यहाँ से, ये माइंड वगैरह, वाईफाई वगैरह सब बंद था, तो इससे थोड़ा और दिमाग में डर बैठ गया इसलिए। अभी करंटली तो हालात एकदम कंट्रोल है, लेकिन अगर आज से 4-5 दिन पहले की बात की जाए तब अनकंट्रोल था, बाकी जो पीएम है वो खुद देश छोड़ के चली गई थी स्पेन, तो टोटली वहाँ के हालात कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, लोग अपने अकॉर्डिंग चल रहे थे, जो सामने दिख रहा है उसको मार रहे हैं, बस ऐसा चल रहा था। ऐसा क्या हुआ था जिससे हालात अनकंट्रोल हो गए एकदम? टोटली वहाँ के लोगों को ये था कि जो 1971 में जो वॉर हुआ था बांग्लादेश में, तो जिन लोगों ने बांग्लादेश को सेव किया तो उन्हें फ्रीडम फाइटर के नाम से जाना जाता है, तो उनको 70% आरक्षण दिया जाता था, और 30% उन लोगों को, जो लोग थे तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है आप फ्रीडम फाइटर के बच्चों को दे रहे हो बट ये तो आप उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी दोगे, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, तो उसको रोकने के लिए वो अपने हित के लिए गए अपनी मांग की, यहाँ तक भी ठीक है मामला सही था। फिर उसके बाद जो 70% वाले जो लोग थे जिनको आरक्षण मिल रहा था, फ्रीडम फाइटर के जो ग्रैंड चिल्ड्रन या उनके रिलेटिव, तो उन्होंने कुछ एक वर्ड बोल दिया था बंगाली में, जो वर्ड मेरे को याद नहीं बट उसका मतलब यही है कि आप ना, मतलब वो लोगों जिन्होंने उस टाइम बांग्लादेश के साथ नहीं थे, पाकिस्तान का साथ दिया था, तो फिर वो बात आरक्षण की नहीं रही, फिर वो बात वो दिल पे लग गई ऐसा कुछ, फिर वो बात आगे बढ़ गई थी, तो फिर वही चल रहा था कि जो सामने दिख रहे हैं बस मार रहे हैं उनको पकड़ के, इंसानियत नहीं रही थी उस टाइम, ये चल रहा था उस टाइम। आप जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर कितने लोग, मतलब ढाका के अलावा बाहर के लोग थे, और किस तरह से नरसंहार हुआ, ऐसी कोई घटना वगैरह या किसी की भूल जाए जान गई हो? मैं जिस एरिया में रह रहा था वहाँ तो हालात एकदम सही थे, सिर्फ मेरे एरिया में या एक दो और कुछ एरिया होंगे ढाका में जो अच्छे थे, उसके बाद बांग्लादेश के जितने भी कॉलेज है सारे हालात अच्छे नहीं थे। और रही बात फॉरेन स्टूडेंट की, फॉरेन स्टूडेंट कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ, बस वो क्योंकि वो बांग्लादेश इनका मैटर था, तो इसलिए हमें पहले ही बोल दिया था कि आप हॉस्टल रहो, सेफ हो, जितना हो सके सेफली निकले यहाँ से, तो फॉरेन स्टूडेंट कोई अफेक्ट नहीं हुआ, बट वहाँ की यूनिवर्सिटी कॉलेज वो सब अफेक्ट हुई है। तो आप होटल में वहाँ रहे थे, कुछ वीडियो वहाँ पे वहाँ पे किया, होटल से ऊपर कूदते हुए गए, वो हाँ वो क्या दूसरी बात? कॉलेज के थे, मतलब वो तो कॉलेज के अंदर ही घुस के मार रहे थे उनको, बट वो फॉरेन फॉरेन स्टूडेंट वाला नहीं था, वो उनके लोकल बांग्लादेश बंगाली स्टूडेंट का आपने वहाँ क्या देखा, था। जैसे मैं क्या? जिस एरिया में था वहाँ मेरे को कुछ देखने को नहीं मिला था, मैं मतलब थोड़ा जिम विम करने थोड़ा साइड में जाता था, मेरे को तो देखने को मिलता था वो रहता था, बट वहाँ पे भी इतना नहीं था, जो ओल्ड ढाका वाला जो एरिया था ना, मैं जो डेवलप एरिया में रहता था, जो न्यू ढाका है, तो वहाँ पे इतना नहीं था, क्योंकि यूनिवर्सिटी वगैरह सब उस एरिया में थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, वहाँ वहाँ क्या सुना वगैरह था, क्या क्या हालात है वहाँ तो पे? वहाँ बहुत हालत ख़राब, तो पुलिस को भी मार रहे हैं, कोई भी नहीं देख रहे हैं, बस ओल्ड ढाका उतरा धान मंडी ये सारे एरिया ऐसे, तो टोटली अनकंट्रोल। आपके परिवार वालों से कब बात हुई थी, वहाँ कब हिंसा शुरू हुआ, फिर कितने दिन तक वहाँ बात नहीं हो पाई? हिंसा शुरू हुई 16 जुलाई को, 17 जुलाई को ठीक है चल रहा है, फिर 18 जुलाई को वो मैन हो गया, हाथापाई वगैरह मारपीट, वो 18 जुलाई, 17 जुलाई के शाम को और 18 जुलाई से शुरू हुआ। घर वालों से कब लास्ट बात हो गई थी मेरी आप? लास्ट बात हुई थी 17 जुलाई को, फिर 18 जुलाई से तो फिर SMS के थ्रू चल रही थी रोमिंग, फिर वहां से कब उड़ान भरी, कहाँ मैंने पहुंचे कब उड़ान गए? भरी 22 जुलाई को, 23 जुलाई को कर पाया। तो वहां कुछ ऐसा डर वगैरह लगा आपको? डर तो नहीं, बस सब साथ में थे, वो इतना डर नहीं लगा, बट वो एक पॉइंट था कि माइंड में कि मतलब दिस प्लेस इज नॉट टोटली सेफ फॉर अस, सो हमें जितना हो सके जल्द से जल्द निकलना चाहिए यहाँ से, ये माइंड वगैरह,
वाईफाई वगैरह सब बंद था, तो इससे थोड़ा और दिमाग में डर बैठ गया इसलिए। नहीं परिवार वालों से बात नहीं हुई? परिवार वालों को कितना चिंता है? परिवार हाँ वालों को कितना चिंता हुई क्योंकि ना बात हो रही वो थी ना तो कुछ? उन हो गए ना यार, उनका अपना खून वहाँ बाहर है इन लोगों के बीच में, वो तो बेसिक रहता ही है। बस वो तो इनका बस फेथ था मेरे ऊपर कि सही होगा, ऊपर वाले को भरोसा था, सो हो गए।